हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्क्रिप्ट लैब चैनल। तो आज हम एक टेडी बेयर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एंड ये वाला टेडी बेयर ड्रॉ करने के लिए एंड कलर करने के लिए मैंने एक वाटर कलर्स यूज़ किया है एंड बीच बीच में मैंने पेंसिल कलर्स भी यूज़ किया है। तो सबसे पहले बुक का जो पेज होता है मैं उसको हाफ करने वाली हूँ बिकॉज द अदर हाफ ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू डू सम टेडी बेयर इन द फ्यूचर। सो हियर आई एम डिवाइडिंग द पेपर इंटू हाफ्स विद द पेपर टेप। यहाँ पे मैं अप्सरा की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ फॉर द ड्राइंग। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी ड्रॉ करते हो तो लाइटर शेड के साथ ड्रॉ करिए एंड फॉर द बेस्ट लाइटर थिंग यूज़ HB पेंसिल, क्योंकि आप जितनी लाइट पेंसिल यूज़ करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। नॉर्मली ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए बट HB पेंसिल वुड वर्कआउट वाइल ड्रॉइंग वाइल बिकॉज एरेज करते समय हमें ईजी होना चाहिए एंड पेपर का क्वालिटी ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए यूज़ HB पेंसिल एंड बी लिटिल केयरफुल। यहाँ पे जो टेडी बेयर का कोट है वो मैंने एक हल्का ग्रीन कलर से लगाया था, दैट इज़ आई हैव यूज्ड अ लाइट ग्रीनिश कलर। आई हैव नॉट मेड दैट कलर बट मेरे पैलेट में पुराने कलर्स ऐसे ही मिक्स थे तो मैंने वही कलर इस्तेमाल कर लिया था कोट के लिए। बट आप जो भी कलर लगा रहे हो वो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में लगाइए, डोंट फॉरगेट। व्हाइल यू आर अप्लाइंग कलर ऑन द कोट एंड द फ्रॉक ऑफ द टेडी बेयर, मेक श्योर दैट व्हाइल पेंटिंग डिफरेंस बिटवीन द कोट एंड द फ्रॉक इज बीन सीन क्लियरली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रॉक एंड द कोट आर जस्ट मैचिंग। तो दोस्तों, जब भी आप फ्रॉक पेंट कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि बहुत ही ध्यान से उसको पेंट करना है। फ्रॉक पेंट करते समय मैंने पर्टिकुलरली दो ब्रशेज यूज़ किया है एक साथ। एक ब्रश जो है कलर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया है एंड जो दूसरा ब्रश था उसको मैंने सिर्फ वाटर में डिप करके मॉइस्ट किया है। उसमें कुछ ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए लेकिन वो मॉइस्ट होना चाहिए ब्रश। उसके बाद जब भी मैं कलर लगा रही थी फ्रॉक पे, उसके बाद इमीडिएटली मैं मॉइस्ट ब्रश के साथ उस वो जहाँ पे भी कलर अप्लाई किया है वहाँ पे एक बार लाइटली ड्रैग कर रही थी। ड्रैग करने पर मॉइस्ट ब्रश के साथ क्या होता है, वो जो भी कलर हम फ्रॉक के पास अप्लाई करते हैं वो अच्छी तरह से स्प्रेड होता है एंड इट गिव्स द टेक्सचर ऑफ अ क्लॉथ। सो क्लॉथ में जैसे वाला शेड होता है क्लॉथ के लिए वैसे वाले शेड्स हमें आते हैं। सो टू गेट दैट इफेक्ट ऑफ द क्लॉथ आई वॉज यूजिंग टू ब्रशेज वाइल पेंटिंग द फ्रॉक। टेडी बेयर का जो फ्रॉक था वो एक सॉर्ट ऑफ नेटेड वाला क्लॉथ था इन द रेफरेंस व्हाट आई वाज यूजिंग। इस वजह से वो डॉट्स एंड वो नेट वाली फीलिंग देने के लिए वही कलर्स के साथ मैं वापस से पूरे ऑल ओवर फ्रॉक में डॉट्स लगा रही थी ताकि वी गेट दैट डॉटेड टेक्सचर वाला फीलिंग, दैट इज़ नेट वाली फीलिंग आने के लिए। बीच बीच में मैंने थोड़ा डार्क कलर किया है, स्टेप बाई स्टेप मीडियम टोन लेकर रही हूँ। अभी जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो एक मीडियम टोन है, देन लेटर ऑन आई पुट ऑन द डार्कर शेड। बीच बीच में आई हैव यूज्ड पेंसिल कलर्स, क्योंकि पेंसिल कलर्स के साथ क्या होता है ना, वो क्लॉथ का इफेक्ट लाने के लिए हमें काफ़ी ईजी होता है। तो यूजुअली वाटर कलर के साथ पेंसिल कलर का कॉम्बो बहुत ही अच्छा रहता है। आई सजेस्ट यू पीपल टू ट्राई आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर कलर एंड पेंसिल कलर। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट आप जब भी पेंसिल कलर्स वाटर कलर के ऊपर यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर दैट योर वाटर कलर का जो भी है वो ड्राई हो चुका है। द पेपर शुड नॉट बी टू वेट, नहीं तो पेपर फट जाएगा जब भी आप पेंसिल कलर्स यूज़ करते हो उसके ऊपर। तो सो मेक श्योर दैट पेपर एटलीस्ट हाफ ड्राई होना चाहिए, तो उसके बाद जब भी आप पेंसिल कलर यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा।
मैंने टेडी बेयर का बैकग्राउंड के लिए गैम्बुज कलर यूज़ किया है विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ येलो कलर एंड उसके बाद मैंने एक डार्क ब्राउन कलर क्रिएट किया है। आप डायरेक्टली रॉ अम्बर कलर भी यूज़ कर सकते हो बट रॉ अम्बर कलर जो है वो मीडियम टोन तक के लिए ठीक है बट टू गेट द डार्कर मोर डार्कर टोन सो टू क्रिएट मोर डार्कर टोन यू आर सपोज टू मिक्स अ फ्यू कलर्स आई हैव क्रिएटेड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन ब्लू स्कारलेट रेड सैप ग्रीन एंड बंसीना। अगर आप बंसीना जो कि एक ब्राउन कलर होता है वो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे वो आपको एक डार्कर शेड ऑफ ब्राउन आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे जब भी उसके बाद पेंसिल लगाने की ज़रूरत पड़ी है आई हैव यूज्ड पेंसिल इन बिटवीन। फॉर पेंटिंग द फ्लावर्स गैम्बुज कलर यूज़ किया है विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ येलो कलर एंड स्कारलेट रेड यूज़ किया है फॉर गेटिंग दैट फ्लावर इफेक्ट। इन दिस एंटायर पेंटिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट वो फ्रॉक का इफेक्ट लेकर आने का बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट था क्योंकि वो ड्रेस का इफेक्ट दिखने के लिए काफ़ी पेशेंस के साथ काम करना पड़ रहा था तो मुझे तो स्पेशली वो ड्रेस इफेक्ट दिखाने के लिए काफ़ी टाइम लगा था लेकिन होप जब आप ट्राई करोगे तो आपको थोड़ा ईजी लगे। So this is the final look of my painting दोस्तों, hope you liked it and if you people liked it then don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you friends and like always keep inspiring.